ये नीलम मुनीर क्या कर रही है यार? तो ये नीलम मुनीर की वीडियो जो आजकल बहुत चल रही है इंटरनेट पे, आप लोगों ने देखी तो होगी, बार बार देखी होगी, बल्कि हजार बार देखी होगी। मैंने तो देखी है, रिपीट का बटन माफिया मांग रहा था मेरे से, और मुझे श्योर है कि पिछले 5-6 दिनों में रिपीट का बटन बहुत रोया होगा, बहुत रोया होगा। माफ कर दो मुझे, माफ कर दो, अपना अपना मुझे प्रेस करना, अपना प्रेस करना मुझे। तो नीलम मुनीर की लीक्ड वीडियो जिसने इंटरनेट पे धूम मचा दी, और उसमें सिर्फ इतना ये था कि वो इंडिया का एक गाना था माही वे मोहब्बतां सच्चियां ने, उस पे वो डांस कर रही थी, थोड़ा सा खुल के उन्होंने डांस की। तो इस पे हमारे कीबोर्ड वॉरियर्स का बहुत दिमाग खराब हुआ, और उन्होंने कहा कि इस लड़की ने कौम का सारी इज्जत खाक में मिला दिया, इस लड़की ने डांस करके हमारी, और लोग कह रहे थे कि बड़ी मेरी फेवरेट एक्ट्रेस थी, उसने ये क्या कर दिया, मैं तो इससे एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। तो मेरे भाइयों, वो शोबीज में उसका उनका काम ही यही है। अगर यही काम उन्होंने किसी मूवी में किया होता तब तो किसी को कोई इशू नहीं होना था, और उन्होंने ये काम किया भी है, यानी कि वही हरकत अगर एक मूवी में आ जाए तो वो ठीक है, एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर वो वीडियो की शक्ल में वायरल हो जाए तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ये कैसी बात है, ब्लडी हिपोक्रेट्स। मुझे समझ नहीं आता कि एक तो लोग वीडियो देखी भी जा रहे हैं और उसको गालियां भी दे जा रहे हैं, उसी YouTube वॉच पेज पे जिस पे वीडियो चलती है उस पे गालियां भी आ रही हैं, इसका मतलब वीडियो भी चल रही है, वीडियो चलते चलते आप लोग गालियां भी दे रहे हैं, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, शोबिज में काम करती है वो। अब किसी लंबे सफर पे कोई बंदा जा रहा हो तो वो इंजॉय करेगा ना, गाने गाएगा, नाचेगा या कुछ भी करेगा जो उसका दिल करता है। अब वो तस्बीह पकड़ के ड्राइवर को नसीहतें तो नहीं कर सकती ना, तुमने रोजे रखने हैं, तुमने पूरी नमाजें पढ़नी है। अब जो जिसका प्रोफेशन है दिमाग में वो प्रोफेशन सवार होता है, जैसे कोई टीचर्स अगर कहीं जा रहे होते हैं तो वो किताबें पढ़ते हैं, इसी तरह हमारे क्रिकेटर्स हैं, वो जाते हुए क्रिकेट की बात करते हैं, यार आज मैंने इतना स्कोर बनाना है, आज मैंने इतनी स्पीड से बॉल करानी है। इसी तरह एक्टर्स और जो डांसर्स हैं वो भी अपने प्रोफेशन से रिलेटेड ही हरकतें करेंगे या उस पर डिस्कशन करेंगे ना। अब वो ये तो नहीं कर सकते कि वो आपको खुतबे शुरू हो जाए वहां पे अपनी गाड़ी में बैठे, तो इस चीज को समझना चाहिए थोड़ा सा। तो जरा हिसाब लगाएं कि अगर आप उस एक बंदी को गालियां दे रहे हैं और वो आपको कुछ नहीं कह रही, तो यहाँ पे गलत कौन है? आप अपना थोड़ा सा अपने भी अंदर झांक लें। नीलम मुनीर, आपके लिए हमारा मैसेज है, इंटरनेट ट्रोल से आपने घबराना नहीं है, इंटरनेट ट्रोल्स का तो काम ही यही है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना।